जिला ऊना के ग्रामीण क्षेत्रों में सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी युवा वर्ग सहेज रहा है। रक्षाबंधन के दिन देवी देवताओं के पवित्र छतर को मौली बांधकर उनका श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद 8 दिनों तक भिक्षा मांगते हुए गुजारा करने की रिवायत को बदस्तूर जारी रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि इन 8 दिनों में संबंधित देवी देवता इस छतर पर विराजमान रहते हैं। मैं राजेश्वर शर्मा, गांव डंगोली, बाबा जी की सेवक मंडली का सदस्य। बाबा जी की सेवा के लिए दिन रात नंगे पांव चलते हैं और रात्रि में जो लोग हमें विश्राम के लिए ठहरते हैं उनके लिए उनके घर में खाने पीने की व्यवस्था होती है। देवता स्वरूप हमें बुलाते हैं वहाँ पे, छत्र को, बाबा जी के छत्र को देवता स्वरूप अपने घर में बुलाते हैं और खूब सेवा पानी करते हैं वहाँ पे। एक उत्सव की तरह मनाते हैं इसको। ये जड़ा उत्सव है ना जी, जड़े साढ़े बंदे दूर दूर रहते हैं, दूर दराज से आते हैं, कोई बाहर नौकरियां कर रहे, छुट्टी लेके आते हैं तो 9 दिन पूरी दिन मतलब दिल दे नाल सेवा करते, नंगे पाँव चलते हैं और दिन रात मतलब रात में भी 12-1 बजे तक सेवा च हाजिर रहते, सवेरे फिर 6 बजे उठ के बाबा जी सेवा च हाजिर रहते। जय हो बाबा बत्रेय महाराज जी। मैं राजेश कुमार डंगोली ऊना से बोल रहा हूँ। तो आजकल जो पवित्र दिन चले हुए, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप सभी को विदित है, जब भी रखड़ पुन्या का त्यौहार होता है तो हम एक प्रॉपर वे से मौली बांध के सभी जगह, हम नहीं सभी जगह जो भी छत्र निकालते हैं, चाहे बाबा जी का छत्र है चाहे माता का छत्र है, हम मौली बांधते हैं। उस मौली के बाद फिर हम उस स्थान से
छत्र को लेके चल पड़ते हैं। इसका मतलब ये होता है भी जब छत्र चल रहा है तो वो देवता भी हमारे साथ साथ ही चलता है, और जितने भी साथ में चलते हैं चाहे वो चेले हैं या गाने वाले हैं, वो सब बाबा जी के या फिर माता जी के भगत होते हैं। और सभी की भावना यही होती है भी हम 8-9 दिन उनकी सेवा करें और घर घर में जाकर भिक्षा मांगें और उनके माया का गुणगान करें। और हमारा भी ऐसा, हमारा जो छत्र है वो डिस्ट्रिक्ट उन्ना का 2nd नंबर का सीनियर मोस्ट छत्र है बाबा भर्तृहरि महाराज जी का। तो ये हमारी काफ़ी पुरानी परंपरा है, काफ़ी सालों से चली हुई है, और हम जो नई जनरेशन है हम उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे विदित है हम उसी तरह से हम चले हुए हैं, डेली हम जाते हैं और घर घर भिक्षा करके कहीं ना कहीं रात को हम एक जगह निश्चित होता है, वहाँ पे हम आरती करते हैं और वहाँ पे हमारा स्टे होता है, जहाँ पे आरती की जाती है, बाबा जी का गुणगान किया जाता है, जो हमारे साथ गुणगान करने वाले हैं वो बैठ के भजन कीर्तन करते हैं और 12-1 बजे तक भजन किया जाता है। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो 8-9 दिन लगातार ये प्रोसेस चला रहता है, और आप लोग यकीन मानिए भी 9 दिनों का यहाँ पता नहीं चलता, ऐसा लगता है भी हम अमरनाथ यात्रा या किसी और यात्रा पर चले हुए हैं और बाबा जी या माता जी हमारे साथ ही चले हुए हैं। और लास्ट में जब गुग्गा नवमी का हमारा त्यौहार आएगा तो हम किसी एक प्रॉपर जगह पर निश्चित किया होता है, वहाँ पर जाके हम छत्र का हम उसको जिसको विस्थापन भी कह सकते हैं, वहाँ जाके एक हमारी अपनी संस्कृति जो भी है वहाँ पर हम किसी उस घर की छोटी कन्या को हम अपनी बहन बनाते हैं, फिर वहाँ पे जाके उसको हम शगन वगैरह डालते हैं और वहाँ से हमारा जो प्रोसेस होता है वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है। फिर जो भी हमारा होता है उसके बाद हर बंदा या फिर हम है जो भी हमें अन्न दान जो प्राप्त होता है या फिर पैसे प्राप्त होते हैं वो उसका भंडारा किया जाता है। तो हमें ये उम्मीद है जैसे ये चला हुआ है आगे भी हमारी अगली जनरेशन भी इस प्रोसेस को आगे चलाएगी, और बाबा जी की कृपा हम सभी पे, गाँव वालों पर, पूरे संसार पर रहेगी। जयकारा बाबा भर्तृहरि। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.